नमस्कार दोस्तों, मैं आर कुंदन, ऑथर एवं आपका मेंटर, आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल फंडा मैथिक सीरीज में। दोस्तों, नए नए कंटेंट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस तरीके के पाई चार्ट के बारे में बताऊंगा जो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अंदर में वैल्यू ना डिग्री में होते हैं ना परसेंटेज में होते हैं, इनके अंदर रुपया पैसा के तरीके से कुछ वैल्यू होते हैं और जिसको आपको निकालना होता है, एक से दो क्वेश्चन को निकालना होता है अदरवाइज परसेंटेज में, या उनको फिर निकालना पड़ता है डिग्री में, जबकि इसके अंदर का कोई भी वैल्यू ना ही डिग्री में ना ही प्रतिशत में है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप है इसका कि वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करना है। आपने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया मतलब आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। फ्रैक्शन में चेंज करना है, फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे हम लोग? मान लीजिए कि ए का निकालना है फ्रैक्शन, तो ए का फ्रैक्शन क्या होगा? सेक्टर का वैल्यू, सेक्टर का वैल्यू कितना है? 1500, और बटा में कुल वैल्यू का योग। तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, 1500 1500, 3000 दो 5000, और 2400 6000, 3000 पाँच, 3 8000। यानी हम लोगों ने ऐसा किया, अब इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कितना होगा? 3/16, 2 0 से 2 0, 5 से 3 बार में, 5 से 16 बार में, यानी 3/16। तो ये हमारा फ्रैक्शन आ गया। तो सभी के लिए हम लोगों को ऐसा करना है। जैसे ही फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन को हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू प्रतिशत में कन्वर्ट होगा इस फ्रैक्शन का। इस फ्रैक्शन को अगर हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई किया तो सेक्टर ए का प्रतिशत वैल्यू कितना होगा वो फाइंड हो जाएगा। यदि हम लोगों ने इसे 360 से मल्टीप्लाई किया तो सेक्टर ए का डिग्री का वैल्यू कितना होगा वो फाइंड आउट बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो हम लोग बना सकते हैं, बना करके देखते हैं। ऐसा हम लोग करेंगे, करेंगे कितना होगा, पहले वाले का 3/16, दूसरे वाले का कितना होगा? 1/4। मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, करके आप देख लेना। 3/16 फिर कितना होगा? 3/10, और फिर कितना होगा? 3/40। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक बार 360 डिग्री से, 100 से करते हैं इसको, क्योंकि परसेंटेज में बदलना है। 16 से काटेंगे कितना? 6.2 बार में, और 6.25 को 3 से करेंगे कितना? 18.75। 100 से करेंगे कितना होगा? 4 से 25%। इसको फिर करेंगे 100 से, कितना होगा? 18.75। इसको करेंगे 100 से, कितना होगा? 30। इसको करेंगे 100 से, कितना बार में? 40 से 100 को डिवाइड करेंगे, 2.5 आएगा, ढाई आएगा, 2.5 × 3 कितना? 7.5। ये सारे के सारे वैल्यू किस में है? प्रतिशत में। हम लोग बहुत आसानी से इसको बना लिया। अब आते हैं हम लोग वैल्यू किस में चेंज करना है, डिग्री में। कैसे चेंज करेंगे डिग्री में वैल्यू? सबको हम लोग करेंगे क्या, 360 डिग्री से, 16 से आप 360 को डिवाइड करेंगे, 22.5 आएगा, और 22.5 को 3 से करेंगे कितना आएगा? 67.5 डिग्री। इसको करेंगे 1/4, कितना आएगा? 90 डिग्री। हम लोग फिर करेंगे इसको 360 से, कितना आएगा? 67.5 डिग्री। इसको करेंगे 360 से, 36, 36 तिया कितना हो जाएगा? 108 डिग्री। इसको फिर करेंगे हम लोग 360 से, 1 0 से 1 0, 9, कितना होगा? 27 डिग्री। आप सारे वैल्यू को जोड़ेंगे, आप सारे वैल्यू को जोड़ेंगे, टोटल कितना होगा? 360 डिग्री के बराबर। इन सारे वैल्यू को जोड़ेंगे, कितना होगा? 100% के बराबर। तो दोस्तों, देखा आपने हम लोग इसको कितनी आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे बहुत शेयर कीजिएगा, मुझे लाइक कीजिएगा, और आपके कोई सुझाव, शिकायत या आपके क्वेश्चन हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद, नमस्कार।